बिग बॉस 11 में शनिवार का वीकेंड का वार अब तक का सबसे शॉकिंग एपिसोड रहा। बिग बॉस 11 में ऐसा पहली बार हुआ है जब शनिवार को किसी कंटेस्टेंट को इविक्ट कर दिया गया। इस सीजन के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट अर्शी खान घर से बाहर हो गई हैं। शो से बाहर होने के बाद अर्शी ने मीडिया से बातचीत में बिग बॉस की जर्नी के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आपको वो दिन याद होगा जब बिग बॉस ने हिना खान को छोड़कर घर से बाकी सदस्यों को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया था। इस वाक्य के बाद सभी कंटेस्टेंट के साथ साथ बिग बॉस के दर्शक भी हैरान रह गए थे। बता दें कि हिना खान को छोड़कर घर के बाकी सदस्यों ने नॉमिनेशन प्रक्रिया को लेकर आपस में डिस्कशन किया था, जिसके चलते बिग बॉस ने सभी घर वालों को सजा के तौर पर घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर दिया था। हिना खान ही एकमात्र ऐसी कंटेस्टेंट थी जो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनी थी और घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान अर्शी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जी हाँ, अर्शी ने पिछले हफ्ते ही नॉमिनेशन प्रक्रिया के बारे में ऐसा खुलासा किया है कि आप चौंक जाएंगे। अर्शी ने इंटरव्यू में बताया कि हिना भी नॉमिनेशन से पहले डिस्कशन में व्यस्त थी, लेकिन उनको नॉमिनेट नहीं किया गया। अर्शी के मुताबिक हिना ने उनसे कहा था कि वह उस हफ्ते पुनीश को नॉमिनेट करना चाहती हैं। हम जानते हैं कि अर्शी के इस खुलासे को सुनकर आप भी भौचक्के रह गए होंगे। बता दें कि इसके अलावा अर्शी ने शिल्पा शिंदे, हितेन तेजवानी और विकास गुप्ता के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी कई खुलासे किए। उनका कहना है कि हिना एकमात्र ऐसी कंटेस्टेंट है जो सबसे सेल्फिश है। फिलहाल तो आप अर्शी के इंटरव्यू को देखिए। वैसे अर्शी के खुलासे पर आपको क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि शो के निर्माता हिना को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी बिग बॉस से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।